करनाल में भाजपा के जिला कार्यालय के बाहर जैसे ही किसान पहुंचे तो खुले हुए जिला कार्यालय को बंद करवा दिया और करनाल में होने वाले नगर निगम के वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव को लेकर ओपन हुए चुनावी कार्यालय को भी बंद करवा दिया। वहीं भाजपा के नेता का कहना है कि उनके कार्यालय का उद्घाटन सुबह ही हो चुका था और किसान बाद में आए। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि किसान युवाओं में इस बीजेपी को लेकर गुस्सा है, जिस वजह से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। ये है शरारती पार्टी। जब इनको एक बात पहले पता है भी भारत बंद है, भाई उस दिन पूरा शहर बंद है, तो फिर भी इन्होंने मुहूर्त 4 बजे के बाद कर लो अपने दफ्तर का। 4 बजे से पहले इन्होंने जानबूझकर वो वहाँ पर दफ्तर का अपना गए हैं। किसी किसान ने उनसे बदतमीजी की, हमें पता लगा भी यहाँ पर एक MC की डेथ हो गई है, उनका कोई दफ्तर खुल रहा है, तो उसको साथ ही साथ हमने कहा कोई नहीं, उन्होंने शटर मार दिया हो गया, वो ऑफिस बंद कर रहे हैं, हम 4 बजे के बाद खोल लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप खोल लेना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने शटर बंद कर दिया, हम वहाँ से आ गए। 9 बजे का टाइम था और हमने जो पूजा पाठ करना था उसका उद्घाटन करके सुबह 9:30 बजे तक हमारा काम कर रहे और 10 बजे तक कार्यकर्ता चाय पानी पी रहे थे। उसके बाद किसान आए हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित किया, जिस प्रकार से उन्होंने झंडे डंडे तोड़ने का प्रयास भी किया। चलो वो अपना काम कर रहे हैं, वो बंद करवाने का उन्होंने प्रयास किया, तो सब बंद दुकानें दुकानें बंद करवाई इधर, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, बाकी भी आपको दिखाई देगा कोई निशान नहीं है झंडे जले हुए का। उन्होंने वो झंडे जो डंडों पर लगे हुए थे उनको तोड़ा है, बस इतना ही यहाँ पे किया है, बाकी हमारा कार्यक्रम सब मतलब चल रहा था। कार्यकर्ता तो खड़े थे यहाँ पर मंच पे जब वो पहुंचे, लगभग वो अभी आधा घंटा पहले पहुंचे हैं और कार्यक्रम हमारा 10। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था और पूरे देश में इसका असर देखने को मिला। करनाल में रेल और सड़क यातायात बंद रहा, किसान सड़कों पर उतरकर बाजारों में जाकर व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील कर रहे हैं। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।